नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिज़न एकेडमी में स्वागत करता हूँ। अभी आपका जो फाइनल सेम का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है, इसके वजह से मैंने ऑलरेडी एक ISP पे एक MCQ बेस्ड वीडियो डाला था, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन वैने पम्प एंड रेडियल पिस्टन पम्प। आपको वैने पम्प मतलब क्या वो पता होना चाहिए और रेडियल पिस्टन पम्प मतलब क्या वो भी पता होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। वैने पम्प में क्या होता है, एक रोटर होता है, रोटर में स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें रेक्टेंगुलर ब्लेड्स डाले वाले रहते हैं, ठीक है, सर्कुलर स्लॉट, और उसमें क्या होते हैं आपके रेक्टेंगुलर प्लेट्स रहते हैं। और सेम दूसरा क्या है, रेडियल पिस्टन पम्प है। रेडियल पिस्टन पम्प में क्या रहता है कि आपका कंसिडर करो ये डायमीटर रहता है ऐसे, और यहाँ पे क्या होते हैं पूरे रेडियली सिलेंडर बोर्स रहेंगे और इसके अंदर आपके पिस्टन्स रहेंगे, ठीक है। मतलब एक जगह के क्या, एक जगह एक जो वैने पंप है उसमें रेडियल स्लॉट्स है, ठीक है, और एक जगह पे क्या है सिलेंडर में बोर्स है टोटल रेडियली। उसके बाद गियर मोटर का आता है कि जो आपका गियर मोटर है वो क्या है, लो टॉर्क एंड हाई स्पीड का है। उसके बाद हाई स्पीड एप्लीकेशन में आपको अगर कुछ आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप कौन सा पंप यूज़ करोगे, जिसमें जो पंप में क्या होना चाहिए, लो टॉर्क होना चाहिए, मतलब इनिशियली वो जल्दी स्टार्ट होना चाहिए, और उसका स्पीड कैसा चाहिए, हाई चाहिए, तो उसके लिए आप गियर पंप यूज़ करते हो। मैक्सिमम एंगल बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड शाफ्ट एक्सिस, ठीक है, अगर कोई सिलेंडर ब्लॉक है और मोटर का शाफ्ट एक्सिस है उसमें कितना एंगल चाहिए, मैक्सिमम 30 डिग्री का एंगल चाहिए। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज एंड सिलेंडर ब्लॉक वैरी। अभी ये जो क्वेश्चन है ये आपके बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के रिलेटेड है कि आपका अगर डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज एंड सिलेंडर ब्लॉक वैरी तो क्या होता है, उसके वजह से वेरिएबल फ्लो रेट ऑफ फ्लूड कैन बी अचीव्ड। आपका अगर आप डिस्टेंस चेंज करते हो, एंगल चेंज करते हो, तो क्या होता है आपका फ्लो रेट वैरी हो जाता है। इन विच ऑफ दिस पम्प स्वैश प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय सिलेंडर ब्लॉक। आपका जो स्वैश प्लेट पिस्टन पंप है उसमें ऐसा कौन सा पंप है कि स्वैश प्लेट को रिप्लेस कर दिया है सिलेंडर ब्लॉक के साथ। बेंट एक्सिस पिस्टन पंप है आपका, ठीक है। स्वैश प्लेट में क्या होता है, स्वैश प्लेट रहेगा एक एंगुलर में और एक जगह पे आपका सिलेंडर ब्लॉक रहता है, जैसे फ्लैट प्लेट रिमूव होगी सिलेंडर ब्लॉक फिक्स रहता है, लेकिन बेंट एक्सिस पिस्टन में पंप में क्या होता है, एक्चुअली आपका सिलेंडर ब्लॉक मूव होता है। अगर स्वैश प्लेट का एंगल ज़ीरो किया तो क्या होगा, स्वैश प्लेट आपको पता होनी चाहिए, ऐसे आपकी स्वैश प्लेट रहती है और स्वैश प्लेट के ऊपर एक ऐसी प्लेट रहेंगी, यहाँ पे आपका ऐसे रहता है, ठीक है। अगर ये स्वैश प्लेट का जो कुछ भी एंगल है, अभी ये कुछ एंगल है, ये एंगल अगर ज़ीरो किया तो क्या होगा, एंगल अगर ज़ीरो किया तो आपके जो इसके अंदर जो पिस्टन मूव होने वाले, इसके अंदर जो पिस्टन ऐसे मूव होने वाले ये एंगल की वजह से, अगर एंगल ही नहीं रहा तो पिस्टन एक जगह पे ही रहेंगे और आपका डिलीवरी ही नहीं होगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन इन पिस्टन पंप। पिस्टन पंप अलग अलग टाइप के होते हैं, इनलाइन पिस्टन पंप भी होते हैं और रेडियल पिस्टन पंप भी होते हैं। तो क्या होगा, आपके एक्सेल भी रहते हैं और रेडियल डायरेक्शन भी रहती है पिस्टन की। क्वेश्चन ऐसा है कि अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन इन पिस्टन पंप कैसे रहेगा, एक्सेल एंड रेडियल बोथ आपको याद रखना है। उसके बाद मल्टीपल पिस्टन पंप। अभी मल्टीपल पिस्टन पंप रहा तो क्या होता है कि एक जगह पे अगर सक्शन हो रहा है तो दूसरी जगह पे क्या होता है, डिलीवरी होता है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल पिस्टन पंप रहा तो आपका जो डिलीवरी है वो कैसा, पल्सेटिंग नहीं रहेगा, वो स्मूथ रहेगा, इसका एक ऐसा एडवांटेज है। इतने क्वेश्चंस थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।